थोड़ी सी और लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी कम। अब इसको हम 50% गलने तक ढककर पकाएंगे। इसको ढक देते हैं और 50% गलने तक पकाते हैं। यहाँ खीर भी हो गई बन के तैयार। अल्लाह के शुक्र से बनाने लगते हैं हम कचौड़ियाँ। कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। यहाँ जी सुबह के बजे हैं 9 और मैं लगी हूँ किचन की सफाई करने से। जो भी चीज़ इधर उधर हो गई थी, एक्स्ट्रा बर्तन थे, वो सब मैंने निकाल दिए हैं। आज तीनों कबर्ड्स मैंने कर दिए हैं परफेक्टली डन। हम देख लेते हैं। देखिए इसको भी मैंने सही करके लगा दिया है। जो भी एक्स्ट्रा हो रही थी, सब मैस हो रहा था, वो सब मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और जी ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला ड्रॉर है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मैस था और गंदा हो गया था। ये सब मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। जो जहाँ जैसे लगना था वो मैंने वहाँ लगा दिया है। सारी चीज़ साफ़ हो गई है और मैंने ये वाले दोनों भी सामने वाले कबर्ड्स भी कर दिए हैं साफ़। ये दोनों भी हो गए हैं डन। और अब बस ये लास्ट वाला रहता है। अब इसमें देखते हैं, देखिए कितना फैला हुआ है, इसको सही करते हैं। चलिए फिर तो यहाँ भी जो मैंने इसको कर दिया है क्लीन 2 मिनट में ही। और जो एक्स्ट्रा सामान था, देखिए इस तरह की प्लेट्स वगैरह सब कबर्ड से मैंने निकाल ली है। अब मैं इनको इनकी जगह पर अरेंज करूँगी। तो फिर इनको इनकी जगह पर अरेंज करते हैं। नीचे वाले अपार्टमेंट्स को मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है ये सभी से। इनको भी सही जगह पर पहुँचा दिया। अब ऊपर का काम ख़त्म करते हैं। ये देखिए ये कबर्ड भी मैंने कर दिया है क्लीन। और जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने ऊपर वाली शेल्फ में लगा दिए। वो चीज़ें जो हम कम रेयरली यूज़ करते हैं वो मैंने ऊपर लगा दिया है। और बाकी रेस्ट ऑफ थिंग्स जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं उन्हें हमने नीचे रख दिए ताकि रश भी ना हो और काम भी बन जाए। देन नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया है, बहुत नीचे से गंदा हो रहा है, मैं अभी क्लीन करती चलूँगी सब कुछ। आप नीचे मत ध्यान दीजिएगा। तो ये ऊपर वाले में जी जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने हटा दिए हैं। और बस ये सब चीज़ें मैंने अरेंज कर दी जो जो हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी जो सेकंड वाला शेल्फ है वो सब एक्स्ट्रा वाले चीज़ें हैं। इसका एक ही शेल्फ हम यूज़ करते हैं, नीचे वाला जिसमें कप लगे हुए। बाकी रेस्ट ऑफ हम यूज़ नहीं करते, वो बहुत ही कम यूज़ होती हैं थिंग्स, तो वो मैंने लगा दिए हैं उसके अंदर। अब जी मैं जो करने लगी हूँ वो नेक्स्ट है ये, जिसमें मैं बॉक्सेस रखती हूँ, उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। चलिए फिर मैं उसको भी सही कर लेती हूँ। तो जी ये भी मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया और सब कुछ अरेंज भी कर दिया। जो जहाँ लगना था वो वहाँ लगा दिया। थोड़ा सा अजीब से लग रहा है ना, वी विल चेंज इट सून, वेरी सून फिर ये ठीक लगेगा। ओके तो ये देखिए यहाँ मैंने ये सब कुछ कम्प्लीट कर लिया। ये वो जो हमारे लेफ्ट ओवर खाने वाले हैं, ऑयल्स हैं, वो हैं ये सब कुछ। और जी ये हो गया है सब कुछ कंप्लीट। और ये 2-3 बर्तन निकल गए हैं गंदे, मैंने धोऊंगी। और बाकी सारे जो नीचे का झाड़ू वगैरह लगानी है वो मैं लगाऊंगी। पर वो मैं लगाऊंगी जी, मेरा स्टूडेंट आ गया है ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं पहले उसे ट्यूशन पढ़ाऊँगी, देन उसके बाद मैं ये लेफ़्ट ओवर वर्क कम्प्लीट करूँगी। 11 बज चुके हैं और 11 बजे उसका ट्यूशन शुरू हो जाता है। तो चलिए फिर मैं ट्यूशन पढ़ा के आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। तो यहाँ मैं जी करने लगी हूँ इफ्तारी की तैयारी। और जी उसके लिए मैं बनाऊँगी खीर। तो खीर में एक हरा धनिया का पत्ता आ गया तो मैं बनाऊँगी खीर। उसके लिए मैंने राइस को काफ़ी देर से जो सोक करके रख लिया था, लगभग कोई 1 घंटा हो गया उसको। फिर मैंने उसको अच्छे से मैश किया हाथों से। आपने ग्राइंडर में नहीं चलाना, वो पकने से ठीक हो जाएगी। और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। अब उसके अंदर हम दूध डालेंगे और उसको पकाने के लिए रख देंगे। मीठा नहीं, अभी मीठा नहीं डालेंगे हम, वो बाद में ऐड करेंगे जब पक जाएगी। चलिए तो फिर मैं दूध डाल के इसको रखती हूँ जल्दी से। तो यहाँ दूध डाल दिया है देखिए। अब बस अब उसको पका लेंगे और लगभग कोई 3-4 प्रेशर मुझे लेने पड़ेंगे, वो देख लूँगी मैं। अभी मुझे पता नहीं कितना चाहिए रहेगा इसके लिए, तो हम देख लेंगे कि कितने प्रेशर हमें लेने हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जी मैंने चावल जो थे वो रख दिए हैं बनाने के खीर वाले। और साथ साथ मैंने जी आटा भी गूंद लिया पूरी बनाने के लिए।
और अब मैंने ले लिया है जी चिकन चंगेजी के लिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मुझे चिकन चंगेजी बनाना है तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं लूँगी। चलिए फिर हम वो मैं आपको दिखा देती हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ जी 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, उसे हम ऐड कर देंगे। देन उसके बाद हमने ले लिया है जी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर। तो ये 1/2 ले लिया मैंने टेबल स्पून चिली पाउडर, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब उसके बाद 1 कटोरी मैंने ले लेना है दही, गाढ़ा दही है, आपने इसको ऐड कर देना है। देन उसके बाद मैंने लेना है 1 नींबू का रस, पूरा 1 नींबू का रस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसके अंदर हमने चिकन डाल देना है, और ये चिकन 1/2 kg से ज़्यादा होगा तो फिर अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। जो सारी चीज़ें हैं हम उसको मिक्स कर देंगे। चलिए फिर इसको मिक्स करते हैं। यहाँ मैंने सब चीज़ को मिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ देना, लेकिन मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेट करूँगी। और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो बिना मैरिनेशन के भी आप इसको बना सकते हैं। अब मेरे चिकन को मैरिनेट हुए 15 मिनट हो गए। अब हम चिकन को 50% गला लेंगे। तो मैंने वेजल में ले लिया है 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके चिकन के पीस को इसके अंदर डाल के जाएंगे। आपने सारे एक साथ नहीं डालना है, जो ग्रेवी है वो हमने नहीं इसके अंदर डालनी है, सिर्फ 3 पीसेस डालनी है इस तरह से। तो यहाँ जी डाल दिया है चिकन, और उसके बाद जो हमारी ग्रेवी बच गई है उसको हमने साइड पे रख देना है। वो हम जब इसके लिए मसाला बनाएंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हमें हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 5 से 10 मिनट पका लेना है, तो फिर इसको चलिए थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। 15 मिनट मैंने इसको पका लिया है हाई फ्लेम पे। अब हम करेंगे, अब इसको हम 50% गलने तक ढककर पकाएंगे। इसको ढक देते हैं और 50% गलने तक पकाते हैं। तो यहाँ 50% तक हमने जो चिकन गलाना था वो गला लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डालना है, डाल दिया है ऑयल। अब इसको हल्का सा हम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और अदरक वाला पेस्ट जो अभी हमने बनाया है। ये हो गया, हमने इसको भून लेना है। यहाँ लहसुन अदरक होने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें लगभग कोई 4 से 5 टमाटरों का पेस्ट, च्यूरी बना ली थी और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे जी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमने वो मैरिनेट इसमें डाल देना है जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था। मैरिनेट के बाद हमने जी प्याज और दही का एक पेस्ट बना लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपने नहीं बना रखा हो तो आप बना लिया था। प्याज को फ्राई करके उसको ग्राइंड कर लेंगे दही के साथ, दैट्स इट। और ये मिक्स कर लेंगे हम, और अब जब तक हम इन सब चीज़ों को पकाएंगे जब तक ऑयल सरफेस पे नहीं आ जाता। मैं अब थोड़ी सी और लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही थी कम,
यहाँ जो ऑयल है वो सरफेस पे आने लगा है अच्छी तरह से। अब हमने इस क्या करना है, हमने लेना है दूध, आधा कप दूध लेना है, मैं एक प्याली कह सकती हूँ, और इसके अंदर डाल देना है। इससे क्या है, जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी क्रीमी हो जाएगी। रूम टेम्परेचर का ये मिल्क है, आप ठंडा या गर्म भी ले सकते हैं। जो हम गर्म करते हैं वैसा ही दूध हमने गर्म किया हुआ था, और बस इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। दूध वगैरह डालकर अब मैंने इसको चिकन डाल दिया है, और चिकन डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर और पका लूँगी, ताकि जो चिकन है वो सारे मसाले अच्छे से चिकन के अंदर आ जाए, फ्लेवर अच्छा आ जाए। थोड़ी देर में इसको बस 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको, बस 2 ही मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और ऑयल जो है वो सरफेस पे आने लगा है, देख रहे हैं आप। अब क्या करना है, हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, उसकी कंसिस्टेंसी इसको थोड़ा सा गला लेना है। जो चिकन हमने 50% गला रखा है, बस अब 50% और गला लेंगे इसको। और इधर मेरी खीर भी जी बन रही है, उसे भी मैं साथ ही साथ चला रही हूँ, दोनों काम में साथ साथ चल रहे हैं। जल्दी से ही काम हो जाता है, फिर हम पूरी बनाना शुरू करते हैं। लगभग 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया, ताकि ये गल जाए और इसकी कंसिस्टेंसी भी सेट हो जाए। मिक्स कर देंगे और अब इसको ढककर पका लीजिए। वो तैयार हो गया है, जो फाइनल लुक देखते हैं इसका, देखिए बढ़िया। अब हम इसके लास्ट मोमेंट पे मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मलाई ऐड कर दी थी, उसको 2 मिनट पका लिया था। देखिए अब इसके अंदर हम हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ खीर भी हो गई बनके तैयार, अल्लाह के शुक्र से बनाने लगते हैं हम कचौरी। कचौरी बनाना शुरू करते हैं।